Hey, what's up guys, my name is Samarok and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की वीडियो में आपको हाई एंड तरीके से कलर टोन्स की स्किन की बना के दिखाऊंगा, ठीक है, डार्क गोल्ड टाइम में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी PNG वगैरह यूज़ करूंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्रैक्टिस पिक का भी आपका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आपने कंट्रोल जे प्रेस करके दो न्यू लेयर बना लेनी, ठीक है, इस लिए एक लेयर की। तो ये वाली दो लेयर बना लेनी है, जो दरमियान वाली लेयर होगी इसके ऊपर आपने जाके ब्लर लगाना है। ब्लर गाशिंग ब्लर के ऊपर जाके इधर आपने 2.0 का ब्लर लगा लेना, ठीक है। ये 2.0 का ब्लर लगा लिया मैंने इधर से, ये देखे। इसे करने के बाद ऊपर वाली लेयर के ऊपर जाके इधर से मैं इसके ऊपर हाई पास लगाऊंगा, ठीक है, 1.4 का लगा लिया, ठीक है। इसे करने के बाद मैं इधर से कर दूंगा लीनियर लाइट पे। तो ये देखें, ये लीनियर लाइट पे लग चुका है। तो मैं इस लेयर पे आके इधर से मैं इस मिक्सचर बेस्ड टूल सेलेक्ट करके इसकी जो है ऊपर से इसकी वेट जो है वो 14 रख लूँगा, ठीक है। तो इसकी आपने सेटिंग जो है मिक्सचर बेस्ट की वो ये वाली रख लेनी है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्किन रीटच करके दिखाता हूँ, ये फुल हाई एंड तरीके से होगी, ये देखिए, ठीक है। तो इससे जो स्किन के जो टेक्सचर हो गए वो ख़त्म नहीं हो, ये देखिए, जैसे ये स्किन का टेक्सचर है ना, ये देखें, जब मैं इधर ब्रश यूज़ करूँगा तो ये देखें स्किन का टेक्सचर बिल्कुल इधर रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से इस तरीके को समझना, ठीक है। और सेटिंग आपने यही रखनी है जो मैंने आपको मिक्सचर ब्रश की दिखाई है, और गाशिंग ब्लर की और हाई पास की, ठीक है, आपने वो यही रखनी है। तो इसे करने का सिंपल सा तरीका है, ये देखें, आपने फेस को अच्छे तरीके से कर लेना है। इससे आपका जो लोग मिक्सचर ब्रश की मदद से उस उन्होंने नहीं ठीक से फेस रिटच होता तो वो भी इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला तरीके से लगा के। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ आपने भी ऐसे ऐसे बिल्कुल ब्रश यूज़ करना है, ठीक है। इस तरह आपने इधर से ये जो स्किन के शेडोज़ हैं ये इधर से, ठीक है, और ये हाईलाइट, इनको मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। तो इनको लहदा लहदा ही रहने देना है। तो ये देखें, इसको मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आपने ऐसे ऐसे तरीके से फेस को रिटच कर देना है, ठीक है। फेस के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगाना है, ठीक है, ताकि जो है वो आपकी फ़ोटो जो है फुल प्रोफेशनल तरीके से लगे, ठीक है। तो अब हम माथे से थोड़ा सा इधर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। फिर तो ये देखें, इस तरीके से मैं इधर को ब्रश को इधर से कर रहा हूँ यूज़, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्रश को इधर फेरना है, ठीक है। तो इस तरीके से इधर भी आपने ऐसे फेर देना है ब्रश। तो ये देखें, जो हमारी फ़ोटो जो बन चुकी है, इसको एक गले के ऊपर भी मैं आपको ब्रश फेर के दिखा देता हूँ ऐसे। तो ये देखें, आपने स्वाइप करना है ब्रश, ये देखें इस तरीके से। तो ये देखें, इससे हमारी स्किन का जो रियल टेक्सचर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, बिल्कुल रियल सी स्किन है, ठीक है। तो ये देखें, मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बता दिया है। तो अब इसे मैं फुल करके कंट्रोल शिफ्ट डी की मदद से लेयर को कर दूंगा मर्ज। तो ये देखें, कितने अच्छे तरीके से हमारी फ़ोटो हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर ये वाला जो है IPNG वो आपको लेंस जो लगा के दिखा देता हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने इसे वहाँ से डाउनलोड कर देना, ठीक है। उसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ कि आपने इसे कैसे करना है डाउनलोड। आपने सिंपली उसी तरीके से इसे करना है डाउनलोड। तो इसको मैं अब इधर से जाके इरेजर को जो है वो इरेजर की मदद से ऊपर से करूँगा थोड़ा सा रिमूव, जो इधर से आ गया ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल जे से न्यू लेयर बना के कंट्रोल टी से सेलेक्ट करके इसको इधर ले जाऊँगा, और इसको इधर से मैं इसको कंट्रोल टी करके इसको नीचे कर दूँगा, ठीक है, जहाँ मुझे फिट लगे मैं इधर रख लेता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रिमूव कर दिया। तो देखिए, अब कितने अच्छे तरीके से लग चुका है। अब कंट्रोल इनको कंट्रोल ई से मच कर दिया। अब इसकी पैसे आप कम करना चाहें तो कर लें। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेयर को कर दूंगा मैं। तो देखिए, हमारी फ़ोटो कितने अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब मैं आपको अपने जो मेरे प्रीमियम फिल्टर हैं कैमरा रा के, उनसे मैं एक ही क्लिक में आपको एडिट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने कंट्रोल ये प्रेस करके न्यू लेयर बना लेनी है, और कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके कैमरा करना ओपन। तो ये वाले जो मेरे कैमरा के फिल्टर हैं आप इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इनकी कीमत बहुत कम है, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, ठीक है। तो ये प्रीसेट्स आप मुझसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे पेमेंट जो है वो जैज़ कैश करवा देनी है, तो फिर आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा। नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपने मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें, ये वाला मेरे पास फिल्टर है उसामा रेड का, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके इसको कर दूंगा अप्लाई, ठीक है। इसे अप्लाई करने के बाद इधर से मैं इसकी जो है ये लगाया हुआ विग्नेट इसको कम कर दूंगा, ठीक है, इधर तक रख लेता हूँ, ठीक है। इसे करने के बाद मैं इधर जाके सैचुएशन में जाने के बाद इसको मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, प्लस वन पे करने के बाद इसको मैं ऑरेंज इसको कम करूँगा इधर तक। ये तो ये देखें, मैंने इसको इधर तक कर लिया। अब इसे करने के बाद जो है मैं इसको इधर से इसकी पैसी कम करके इसको मैं रखूँगा इधर तक, ठीक है। तो ये देखें, मैं इसको कर लेता हूँ इधर तक, इधर तक रख लेता हूँ 171 तक, चलो इधर तक ठीक है। और इसकी पैसी मैं थोड़ी सी और कम कर लूँगा, और इधर से इसको मैं बढ़ा दूँगा,
ऊपर से हाईलाइट्स को जो मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा सा, तो इसको मैं जो है इधर तक रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको इधर तक रख लिया है। इसे करने के बाद मैं इधर से हुवी में जा कर इसको प्लस 10 पे कर दूंगा। ये देखिए मैंने इसको कर दिया है। इसे करने के बाद अब आपने ये जो टेम्परेचर इसको प्लस 3 पे कर देना है और इसको प्लस 5-6 पे कर देना है। 6 पे कर दिया, ठीक है। इसे करने के बाद जो है वो वाइब्रेंस जो है उसको मैं -1 पे रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मैंने जो इसको वो रख लिया। अब इसे करने के बाद ये देखें देखें कैमरा कैलिब्रेशन में आपने आ जाना है। इधर से आने के बाद मैं इसको इधर तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको इधर तक रख लिया है। इसे रखने के बाद मैं इसको जो है वो थोड़ा सा इस तरफ कर लूँगा। ये देखें मैंने इसको कर लिया। अब इसको थोड़ा सा इधर तक कर लेते हैं। करने के बाद ये जो इसको इधर तक कर लेता हूँ, ठीक है, प्लस 18, ठीक है। ये इधर बिल्कुल बेस्ट लग रहा है, ठीक है। इसे करने के बाद इधर से जाने के बाद मैं हाईलाइट जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये देखें इसे फेस में कितनी शाइन सी आ रही है, ठीक है। इसको प्लस 20 कर लिया। अब मैं इसे कर दूंगा ओके। तो सिंपली देखें एक क्लिक हमारा वन क्लिक फिल्टर जो इससे कितने ही अच्छे तरीके से आ चुकी है, ठीक है। ये देखिए कितनी उससे चेंजिंग आ चुकी है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से ले तो कर दिया मैं, तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से बन चुका है। इसे करने के बाद मैं इधर से जाऊंगा अब कलर लुकअप में। कलर लुकअप में जाने के बाद इधर से आके मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई ना कोई लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इधर से हम कोई ना कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला ठीक है, कोडक का। ये देख लें कोडक का, ये आपके जो फिल्टर्स होंगे उनमें पहले से होता है, ठीक है। तो इसको मैं इधर से क्लोज करके देखें इसकी पैसिटी जो है वो मैं कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं पैसिटी और कम कर लेता हूँ, प्लस 23 कर लिया। मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेस को कर दूंगा मर्ज। और अब इधर से जो है होंट्स जो है इनको थोड़ा सा बाद में करते हैं। इसे करने के बाद मैं इधर इससे जाने के बाद इधर से मैं जाऊँगा ग्रेडियंट टूल में, ठीक है। ग्रेडियंट टूल में जाने के बाद इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला जो होगा प्रीसेट, इसके ऊपर मैं इधर फिर इसे लगा के इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखें इसके ऊपर क्लिक कर लिया, फिर कलर के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको इधर तक नीचे तक ले आऊँगा, ठीक है। मैंने इसको इधर तक रख लिया, इसे कर दूंगा इधर से ओके और इधर से भी ओके। इसे करने के बाद मैं इसको हुवी पे रख लूँगा, ठीक है। तो ये देखें हुवी पे आ चुका है। हुवी पे आने के बाद इसकी पैसे जो है वो मैं कम कर लूँगा इधर, ठीक है। तो ये देखें 19 तक मैंने रख लिया इसे, ठीक है। तो अब मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेयर्स को कर दूंगा मर्ज। तो लेयर्स को मैंने कर लिया है। तो अब इसे करने के बाद मैं ये जो ब्लैक एंड वाइट है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये लगा लिया। लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जाके बल्कि इसको सिंपल रखे इसकी पैसिटी जो है वो कम करेंगे हम, ठीक है। तो इसको मैंने ये देखें 6 तक कर लिया, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेयर्स को कर दूंगा मर्ज। तो लेयर्स को मर्ज करने के बाद अब हमारी बारी आती है कि पहले हम इसके ऊपर जो है आईब्रो कट लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो मैं कट आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये वाला जो आईब्रो कट है वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर दूंगा इधर से। तो इसको आपने इधर से ऐसे कर लेना छोटा आईब्रो कट को। तो ये देखें ये लग चुका है। आप इसको चाहे इधर तक रख लें चाहे इधर तक, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे। तो मैं कंट्रोल एम से ये जो ज़्यादा वाइट है, ठीक है, तो लेवल्स के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको जो थोड़ा सा ब्लैक की तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये देख लें ये हो चुका है, तो इधर तक बिल्कुल ठीक है। तो इसे करने के बाद इसको इरेजर टूल से मैं लेके इसको मैं इधर से कर लूँगा इरेज, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको कर देना है इरेज, ठीक है। तो इसका डाउनलोड लिंक जो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेयर्स को कर देना है मर्ज। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो कितने अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप आता है उसके ऊपर हमने जाना इधर से चैनल मिक्सचर के ऊपर। इधर से क्लिक करके इधर से थोड़े से कलर्स ऐड करने। इसको मैं इधर प्लस 1-2 रख लूँगा, ठीक है। और इसे करने के बाद इसको मैं -5 और जो ब्लूज़ हैं उनको मैं प्लस 5 पे कर लेता हूँ। इसके बाद ग्रीन के ऊपर क्लिक करके इधर से ये वाला कलर और इधर से इसको इधर तक कर लिया। इसे करने के बाद मैं इसको इधर तक कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद ब्लू में जाऊँगा। ब्लू में जाने के बाद इसको थोड़ा सा मैं प्लस 3 की तरफ कर दूँगा और इसको जो है मैं -5 की तरफ कर दूँगा और ये जो है इसको मैं प्लस 103 कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखें इसे कितना फ़र्क आ चुका है। मैं कंट्रोल शिफ्ट ई की मदद से लेस को कर दूंगा मर्ज। और अब जो है मैं होंट्स को थोड़ा सा रेड करता हूँ, ठीक है। तो होंट्स को रेड करने के लिए रेड कलर आपने सेलेक्ट कर लेना, इसकी पैसिटी जो है वो 3 पे कर लेनी, ठीक है। और ब्रश के साथ जो है इसको होंट्स को कलर दे देना, ठीक है। तो ये देखें ये मैंने कर दिया है। तो अब इसे करने के बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करके दोबारा से कैमरा करूँगा ओपन।
कैमरा ओपन करने के बाद कैलिब्रेशन में जाके इधर से हम कलर ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैंने इधर तक कर लिया +7 और इसके बाद मैं इसको कर दूंगा -7, ठीक है, -6 या -7। और इधर से कोई ना कोई हम कलर ऐड कर लेते हैं। तो इधर से ये देखें इधर तक कितने अच्छे तरीके से बन चुकी है। हाईलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ तो ये देखिए हमारी फ़ोटो कितने अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। तो इसे कहने के बाद ये वाला जो मेरे पास टेक्स्ट PNG है वो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये मैंने इधर इसको लगा लिया। इसे कहने के बाद मैं इसको डिवाइड पे कर दूंगा, ठीक है। तो डिवाइड पे करने के बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है इसको इधर तक ले जाऊंगा और इसको इधर से बढ़ा दूंगा। इसको थोड़ा सा इधर तक ले जाते हैं और इसको मैं इधर तक बढ़ा दूंगा। तो ये देख लें इधर तक लग चुका है। मैं कंट्रोल शिफ्ट की मदद से ले इसको कर दूंगा। मैं तो देखें हमारी फ़ोटो जो है वो कितने ही अच्छे तरीके से एडिट हो चुकी है। अब जो मैं इसके ऊपर नीचे जो है वो बैकग्राउंड लगा देता हूँ इधर से, ठीक है। तो ये देखिए हमारी फ़ोटो कितने अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो अब मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि ये डाउनलोड नहीं होता। तो यार ये देखो वीडियोस को आप लाइक नहीं करते, ये देखो 692 व्यूज़ हैं वीडियो पे और सिर्फ 38 लाइक हैं। मर्जी है यार आप लोगों की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है डाउनलोड PNG। तो ये नीचे आ जाएगा मेरा आर्टिकल, ठीक है। इसके ऊपर आपने आके इधर नीचे तक चले जाना, ठीक है। नीचे आने के बाद ये वाला इधर से आपने प्रैक्टिस पिक कर लेनी, इसके ऊपर क्लिक करके प्रैक्टिस पिक डाउनलोड कर लेनी है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट PNG आ जाएगा, उधर से आपने डाउनलोड कर लेना। फिर आपने आईब्रो करना है डाउनलोड और फिर आईज लेंस, ठीक है। आपको मोबाइल डाउनलोड करने का तरीका जो साथ नज़र आ रहा होगा आपने वैसे मोबाइल से डाउनलोड कर लेनी, ठीक है। तो ये देखिए मैं आपको इधर से बता देता हूँ, आपने इधर जाना, इधर आएगा इधर से टाइमर 3 सेकंड का, ठीक है। तो जैसे मैंने मोबाइल में बता दिया आपने इसी तरीके से मोबाइल से भी कर देनी है, ठीक है। तो सिंपल मेथड होगा। अब इसके ऊपर गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर दें, इसको ख़त्म कर दें। तो ये देखिए प्रैक्टिस भी हो चुकी है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपने ये भी बताना, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।